नागपुर शहर की पुलिस ने मोबाइल चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह शहर के मोबाइल दुकानों में सेंध लगाकर लाखों के मोबाइल फोन चोरी करने में लिप्त था। इस चोरी का खुलासा उस वक्त हुआ जब प्लॉट नंबर 12 स्मृति नगर से संत कृपा प्रोविजन स्टोर के मालिक सचिन दामोदर गावंटे ने अपनी दुकान का शटर टूटा हुआ पाया और पुलिस को सूचना दी। 13 सितंबर की रात को दुकान का शटर बंद कर घर पर गए मालिक ने 14 सितंबर की सुबह शटर को टूटा हुआ पाया। जब पुलिस की मौजूदगी में दुकान खोली गई तो पाया गया कि कुल 89 मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जिनकी कीमत लगभग 24,32,000 रुपए थी वह चोरी हो गए थे। नागपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की और गुप्त सूचना के आधार पर गाजियाबाद से मुख्य आरोपी मुस्तकीम को गिरफ्तार किया। आरोपी के ठिकाने की पहचान के बाद पुलिस ने साहसिक कदम उठाते हुए लगातार 24 घंटे तक उसकी निगरानी की और उसे हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान उसने अपने साथी मोहम्मद शहजाद का नाम उजागर किया जिसे भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद मुस्तकीम ने पुलिस को बताया कि उसने चोरी किए गए मोबाइल फोन गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में छिपाए थे। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां से 72 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। हालांकि तीसरा आरोपी इकबाल इस्लाम रेस अभी भी फरार है और इसकी तलाश जारी है। मुख्य आरोपी मुस्तकीम के खिलाफ पहले से ही बेलगाम कर्नाटक और अकोला महाराष्ट्र में केस दर्ज है। नागपुर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविन्द्र कुमार सिंघल और उनकी टीम के सतर्क मार्गदर्शन में इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस स्टेशन हुडकेश्वर में रिसेंटली 13th नाइट 14th अर्ली मॉर्निंग के समय सितंबर महीने में एक मोबाइल शॉपी से 89 मोबाइल्स का चोरी हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 24 लाख का अमाउंट वर्थ मोबाइल फोन्स का, कॉस्टली फोन्स का चोरी हुआ है। ये आउटर रिंग रोड पे पड़ता है एंड उसका डिटेक्शन एंड रिकवरी विद इन 10 डेज यूजिंग टेक्निकल एविडेंस सच एज सीसीटीवी फुटेज, IMEI नंबर ट्रेसिंग, मोबाइल नंबर ट्रेसिंग एंड ऑल्सो जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स का क्रिमिनल्स का हिंट्स यूज करके पूरा टीम DCP जोन ऑफिस का टीम विथ कोऑर्डिनेशन विथ पुलिस स्टेशन डिटेक्शन टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ DCP एंड पुलिस स्टेशन इंचार्ज वेदोटकर जी सब ने मिलके, जब मैं नया आई हूँ फिर भी पुलिस का जो सबकल्चर होता है उसको अपहोल्ड करते हुए हमने ये डिटेक्शन किया है एंड इसमें से 89 मोबाइल्स में से 72 मोबाइल्स अभी अपने हाथ में आ गया है, रिकवरी हुआ है एंड इसमें जो आरोपी तीन मेन आरोपी आइडेंटिफाई हुआ है उसमें दो हमारे कस्टडी में आए, उनका 6 दिन का PCR लिया पुलिस कस्टडी में और भी चोरी का प्रीवियस चोरी के बारे में भी हमने माहिती निकाला एंड एक अभी भी फरार है, उसके पीछे भी शोध चालू है एंड वी आर ट्राइंग कि ये जो दो चोर पकड़े गए हैं नेमली मुस्तकीम जो इससे पहले भी पुलिस स्टेशन हुडकेश्वर में लास्ट ईयर चोरी किया, ही इज अंडर कस्टडी एंड दूसरा है शहजाद, ये दोनों PCR में गए एंड अभी जुडिशियल कस्टडी में है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ही कोर्ट को एक लेटर लिखे कि उनको अंडर ट्रायल रखे जब तक कन्विक्शन ना मिले, सो दैट उनको बाहर बेल दे दे तो वापस ऐसे मोटा मोटा चोरी ना करे इतर एरियाज में। सो मेन पॉइंट है कि दीज टू कल्प्रिट्स ये है उत्तर प्रदेश स्टेट से, बाहर स्टेट से आए हैं एंड ये मेरठ एंड गाजियाबाद जिला रेस्पेक्टिवली यहाँ से बिलोंग करते हैं, दसना गांव से आए हैं ये। सो ये यहाँ पे आउटर रिंग रोड ऐसे हाईवे एरियाज में टारगेट करके जो क्लोज शॉप्स होते हैं उनको ब्रेक करके आधे रात में रेकी करके जहाँ पे उनको बल्क में सामान मिल सकता है वहाँ पे चोरी करते हैं, HBT घरफोड़ी करते हैं। सो दिस इज देयर मोडस ऑपरेंडी, उनका जहाँ पे भी वो रह रहे थे वहाँ से थ्रू CCTV फुटेज लिंकेज डिटेक्शन ब्रांच ने आइडेंटिफाई किया कि बाहर गांव से कौन आके रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं और कहाँ गए होंगे, मोबाइल ट्रेसिंग किया, डंप डेटा निकाला, डंप डेटा से बाहर गांव से जो आए हैं वो नंबर्स आइडेंटिफाई किए। बहुत टीडियस प्रोसेस है फिर भी दिन रात मेहनत करके
साइबर टीम ने ये आइडेंटिफाई किया नंबर्स, एंड वो सही एकदम मतलब पिन पॉइंटेड डिटेक्शन हुआ है। इतना कि व्हेन दो बार हम टीम को उत्तर प्रदेश भेजे, दोनों बार सक्सेसफुली मिला के 72 मोबाइल्स प्राप्त हुआ। बाकी जितना 17 मोबाइल्स अभी भी बाकी है, वो भी मिलने का फुल पॉसिबिलिटी है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट माई टीम अगेन। एंड ये आरओपी का नेम्स हम प्रेस में देंगे सो दैट, एंड डिटेल्स ऑल्सो प्रेस में देंगे सो दैट और भी इतर एरियाज में इन्हीं के टारगेटेड जो HBTs हुए होंगे वो प्रोडक्शन पे लेके और रिकवरीज हो सकते हैं इन अदर पुलिस स्टेशंस एंड इन अदर सिटीज। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। The cool new Glanza. Go hatchin', go awesome.